दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने टैंकर से पानी लाने और पानी ला के आप लोग को दिखाएंगे कि हाँ सब्जी की खेती कैसे की जाती है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे गाड़ी में पानी भरा रहा है, तो चलिए हमारी गाड़ी फुल हो चुकी है और हम लेके निकलने वाले अपने मजरे के लिए। तो चलिए देखते रहिए। देखिए एक गाड़ी बाहर निकल रही है, हम अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं। हम अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं। तो दोस्तों हम अपनी गाड़ी में पाइप लगा चुके हैं जो कि गाड़ी से पानी खाली हो रहा है। हम कहाँ पे पानी खाली करते हैं देख सकते हैं आप लोग, ये पाइप लगाए हैं। और अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा पाइप लगाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं ये टंकी बना है पानी का और इसमें पानी खाली होता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और आपको दिखाते हैं आगे कि सब्जी की खेती यहाँ कैसे होती है। मेरे पीछे आप लोग खेत देख सकते हैं जो कि इस खेत में चारों तरफ आपको बस पाइप ही पाइप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे खेती कुछ इस तरीके से होता है कि जगह जगह पे इस पाइप में सुराख रहता है और उस सुराख के जगह पे कोई भी पौधा लगाया जाता है, कोई भी सब्जी या चाहे जो कुछ भी, मिर्ची हो आलू हो हर चीज़ वैसे लगाया जाता है। यही सब इधर खेत है और ये खेती देख सकते हैं अभी तो फिलहाल में खाली है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो इसके वजह से अभी पूरा खेत खाली है हमारा। अभी इंशाल्लाह अगले महीने से इसमें सब्जी लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आलू लगता है टमाटर लगता है हर चीज़ की खेती यहाँ पे होती है। बस चावल नहीं होता है गेहूँ नहीं होता है, बाकी सब चीज़ यहाँ पे होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू ब्लॉग में। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।